हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव है। चलिए आज हम जानते हैं कि सैमसंग एस बाइक मोड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने J7 फोन ले रखा है, अगर आप इस बाइक मोड का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे तो आपके फ़ोन में ये फीचर ऐड हो जाएगा। तो अपडेट करने के लिए आप सेटिंग में जाएं, अबाउट डिवाइस में जाएं, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएं। सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट नाउ, ऑटो अपडेट, वाईफाई। तो अगर आप अपना फ़ोन वाईफाई के थ्रू अपडेट कर रहे हैं तो आप इस वाईफाई को इनेबल रहने दें। अगर आप अपने फ़ोन के डेटा से अगर अपना फ़ोन अपडेट कर रहे हैं तो आप इसको डिसेबल कर दें। तो इस इतना करने के बाद में आप अपडेट नाउ पर क्लिक करेंगे, तो अपडेट नाउ को जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन अपडेट होने लगे। अपडेट के दौरान आपका फ़ोन एक या दो बार रिबूट होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होने हो जाने के बाद में बाइक मोड आपके फ़ोन में ऐड हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि हम इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो आप अपने हैंडसेट के स्विच बटन को कुछ समय के लिए प्रेस करिए, दबाए रहिए। जब आप दबाए रहेंगे तो आपके स्क्रीन पर चार ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ, फ्लाइट मोड, रीस्टार्ट। अब देखिए एक नया ऑप्शन भी आपके फ़ोन में ऐड हो गया है, एस बाइक मोड। तो जब ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऐड हो गया है तो अब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एस बाइक मोड पर को सेलेक्ट करते हैं। तो अगला जो स्क्रीन हमें मिलती है, तो इसमें कैंसिल कर सकते हैं आप इस मोड को, या फिर आप इनेबल कर सकते हैं। तो हमें तो इनेबल करना है, तो इसलिए हम इनेबल पर को सेलेक्ट करते हैं। इनेबल सेलेक्ट करने पर आपको का जो फ़ोन होगा वो एक्टिव हो जाएगा, एस बाइक मोड आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इस मोड पर आपको तीन टैब दिखाई देंगे, नोटिफिकेशन, स्मार्ट रिप्लाई और माई राइट्स। तो नोटिफिकेशन में आपको जब आप बाइक चला रहे होंगे तो जो कॉल्स आपकी इनकमिंग हुई होंगी उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको किस किस नंबर से कॉल आई है। स्मार्ट रिप्लाई में अगर आप इस ऑप्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो जिन नंबर्स को आपने स्मार्ट रिप्लाई में ऐड करा रखा होगा तो ये ऑटोमेटिकली उन नंबर्स को SMS सेंड कर देगा, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप इस समय बाइक चला रहे हैं। माई राइड्स में ये आपको बताता है हर दिन की ट्रैवलिंग के बारे में बताता है कि आपने किस दिन कितना ट्रैवल किया है। इसमें आपको किलोमीटर्स पता चल जाते हैं और टोटल भी बताता है कि आपने पूरे महीने कितनी ट्रैवलिंग की है। सैमसंग का ये फीचर बहुत ही अच्छा है कि जब आप बाइक पर होते हैं तो कॉलर को पता चल जाता है कि आप बाइक चला रहे हैं। इसमें आप लैंग्वेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी आंसरिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।